बीएससी पार्ट थर्ड, आज आपको विलियन का लास्ट पार्ट, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। अणुसंख्या गुणधर्मों के अपसामान्य मान। अणुसंख्या गुणधर्म विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। यदि कोई विलय पदार्थ विद्युत अनपघट्य है तो इसके विलय करने पे अणुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार के विलयन के अणु संख्या गुणों के मान सामान्य या सैद्धांतिक मान कहलाते हैं। परंतु यदि विलय पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाए तो अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और यदि विलय पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाए तो विलय के कणों की संख्या कम हो जाती है। तो अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान सामान्य मानों से भिन्न हो जाते हैं। इन मानों को हम कहते हैं अपसामान्य मान या एबनॉर्मल वैल्यूज। आप जानते हो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अणु भार निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो कभी कभी अणु भार जो भार है वो उनके जो प्रेक्षित मान होते हैं वो सैद्धांतिक मान से भिन्न आते हैं। इसे हम कहते हैं अपसामान्य अणु भार। इसके लिए वॉन्टॉफ ने एक फैक्टर दिया जिसे हम कहते हैं वॉन्टॉफ गुणांक। विद्युत अपघट्यों के अणु संख्या गुणों के अपसामान्य व्यवहार का कारण स्पष्ट करने के लिए वॉन्टॉफ ने एक गुणांक प्रयुक्त किया जो वॉन्टॉफ गुणांक कहता है। इसे कहते हैं, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी की बात करें तो पाई जीरो वी इज इक्वल टू आई एन आर टी, हम आई का गुणा कर देते हैं सीधी साइड पर। पाई जीरो का मतलब है प्रेक्षित या प्रायोगिक परासरण दाब। यदि कणों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो आई इज इक्वल टू वन, तो पाई टी वी इज इक्वल टू होगा एन आर टी। तो पहला है ऑब्जर्व परासरण दाब, दूसरा है पाई टी का मतलब थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक परासरण दाब। अतः आई का मान अगर निकाले तो आई बराबर होता है पाई जीरो डिवाइडेड बाय पाई टी, परासरण दाब का प्रायोगिक मान, परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। तो हम जानते हैं कि परासरण दाब वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। अतः इस समीकरण तीन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर यदि पाई जीरो बटा पाई टी है तो डेल्टा पी जीरो डिवाइडेड बाय होगा डेल्टा पी टी, डेल्टा टी बी जीरो ऑब्जर्व बराबर होगा डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। तो आई की परिभाषा क्या निकलती है, अणु संख्या गुण का प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाय अणु संख्या गुण का सैद्धांतिक मान। अतः किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात वॉन्टॉफ गुणांक कहलाता है। अणु संख्या गुण विलय के अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः अगर हम अणु भार की बात करें तो आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, इसका मान बदल जाएगा, इट इज़ इक्वल टू एम टी डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व। तो विलय के अणु भार का सैद्धांतिक मान डिवाइडेड बाय विलय के अणु का प्रेक्षित मान। अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहला होता है विलय के अणुओं का वियोजन। यदि हम कोई भी आयनिक पदार्थ लेते हैं, आयनिक विद्युत अपघट्य लेते हैं, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, तो जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं, जैसे NaCl सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन के रूप में टूट जाता है। इस प्रकार एक अणु दो या दो से अधिक आयन देता है और विलय कणों की संख्या सामान्य जो अपेक्षित संख्या है उससे अधिक हो जाती है। इन पदार्थों के अणु भार अणु संख्या गुणधर्मों से कम प्राप्त होते हैं। यदि NaCl का भार 58.5 है तो इससे हम जब निकालेंगे अणु संख्या गुणधर्म से तो ये आधा आएगा इसका 58.5 डिवाइडेड बाय 2। अतः इसीलिए हम I का प्रयोग करते हैं। दूसरी कैटेगरी है विलय के अणुओं का संगुणन। बहुत से कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें विलायक में यदि हम घोलते हैं तो वो संगुणित हो जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को हम जल में घोलते हैं तो वो डाइमर बना लेता है और दो अणु जो है वो एक अणु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसी प्रकार बेंजोइक एसिड बेंजीन में और फिनॉल भी बेंजीन में डाइमर बना लेते हैं।
ऐसी स्थिति में विलय कणों की संख्या सामान्य संख्या से कम हो जाती है और इनके प्रेक्षित अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक प्राप्त होते हैं और इसमें आई का मान जो होता है इट इज़ ग्रेटर देन 1। थैंक यू। और इसी के साथ आपका विलयन चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।